हरिद्वार से केदारनाथ बच्चे जाते हैं पर्सनल कार में, लीजेंड जाते हैं बस में, और अल्ट्रा लीजेंड्स जाते हैं बाइक लेके रेंट पे। तो हमारा ये डिसीजन अल्ट्रा लीजेंड वाला होता है या बच्चों वाला, वो तो इस वीडियो में पता चलेगा आगे। तो मेरे सभी व्यूअर्स को जय शंकर जय शंभू। तो इस वीडियो में ले जाने वाला हूँ मेरे साथ वर्चुअल रोड ट्रिप पे हरिद्वार से केदारनाथ बाइक पे, और ये ब्लॉग में होगी सारी डिटेल्स रिगार्डिंग बाइक जर्नी और एक्सपेंसेस, और साथ में होगा एंटरटेनमेंट। बोल गणेश जी महाराज की जय हो। वह चल दिए सीधा केदारनाथ धाम की ओर, और यहाँ से हमारी हरिद्वार से जर्नी स्टार्ट हो रही है। तो दिखाते हैं आपको नज़ारे और साथ में आपको बताएंगे जो हमारे साथ चैलेंजेस आएंगे बीच के अंदर। तो चलिए लेट्स गो, देखते हैं कैसा होता है ये सफर बाइक में हरिद्वार से सीधा केदारनाथ। तो जाने केदारनाथ, और वो है 223 किलोमीटर हरिद्वार से। हे हे चलो ना ढूंढे शहर एक नया। तो भाई अभी हम राजा जी नेशनल पार्क के अंदर हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं जिसमें बता रहे हैं कि भाई यहाँ पे आपको अवेयर रहना है हाथियों से, आपको अवेयर रहना है बाघ से। अजनबी से हो भूले हम भी जो सारे। फाइनली भाई हमको फ्यूल ब्रेक मिल गया बहुत जल्दी, तो यहाँ से हम सीधा फ्यूल भरवाएंगे। और यहाँ वहाँ जाए वही दिल कहे जा बेबे बेबे बेबे। लगभग 1:47 हो रहा है हम ऋषिकेश में, तो आपको टाइम का अपडेट देता रहूँगा कि भाई कितनी देर में हम कहाँ कहाँ पहुँच रहे हैं। तो अभी तो हम फिलहाल ऋषिकेश के अंदर ही हैं। तो भाई अब वैसे जैसे हमने बताया था आपको पहाड़ों पे हम चलने लग गए हैं, और वो भी सिर्फ 149 पे। तो ऐसा कुछ माहौल है भाई। तो भाई मैं इसी ट्रैफिक के बारे में बात कर रहा था जिसका फ़ायदा ये है कि हमारी बाइक आसानी से निकले जा रही है। वहीं पे जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं या जो बस है वो स्टक हो जाती है, तो कहीं ना कहीं मार्जिन होता है यार 1 घंटे का। तो आराम से मैं मान के चलता हूँ जो ट्रैफिक से दिक्कत आती है वो 1 घंटे का शायद बाइक वाले उसका उसको फ़ायदा होता है। और यहाँ पे ये देख रहे होंगे आप इसको क्या बोलते हैं भाई, बोलो आगे बोट जा रही भाई ये मेरे हिसाब से वहाँ पे राफ्टिंग के लिए, रिवर राफ्टिंग के लिए जा रहे हैं। भाई जैसे कि हमें लग रहा है कि हम काफ़ी देर से देख रहे थे यहाँ पे, ये वाला जो एरिया है भाई डेफिनेटली लैंडस्लाइड वाला एरिया है। और मतलब जो केदारनाथ वाली रोड आप कह सकते हैं अभी स्टार्ट ही हुई है एक तरीके से, तो वहाँ पे भाई लेट स्लाइड वाला हमें बार बार देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा भाई ऑफ रोडिंग टाइप का है। तो भाई फाइनली हम पहुँच चुके हैं देवप्रयाग में, देवप्रयाग जहाँ पे 3 नदियों का संगम बैठा है, तो वहाँ पे हम जा रहे हैं। और यहाँ पे आपको दिखाई लोग कितने सारे यहाँ पे इकट्ठे हो रखे भाई, देखिए भाई ट्रैफिक जाम हो रखा है भाई। सौरभ जोशी की तरह महाराष्ट्र का भी एक हो गया है थोड़ा सा पॉप पैड, हेलमेट हमने वहीं पे रख दिया है, और अब देखना पड़ेगा भाई हमारे पास दूसरे ऑप्शन भी नहीं है। देखते हैं भाई हमें हमारा हेलमेट मिलेगा या नहीं। तो आप देख रहे होंगे भाई यहाँ से खाली वाली नदी जा रही है, जितनी साफ दिख रही हो ग्रीन ग्रीन दिख रही होगी आपको एकदम क्रिस्टल ब्लू की जैसे। और अभी हम पहाड़ों पे हैं भाई,
यहाँ पे मेरी थोड़ी सी हालत टाइट हो चुकी है क्योंकि सबसे पहले तो मेरे पत्था है एकदम दर्द हो रहा है। तो भाई जैसे जैसे शाम होती जा रही है वैसे वैसे केदारनाथ के जो रोड है वो और भी ज़्यादा सुंदर और भी ज़्यादा काफ़ी अमेजिंग लगने लग गई है भाई। साथ में भाई आपको ये देखिए भाई नज़ारा यार, भाई यानी एक एक्चुअल बात में आपको बताऊँ तो ये कह सकता हूँ कि आप भाई इस टाइम पे मतलब शाम को ट्रेवलिंग वगैरह करेंगे मतलब चले एकदम जैसे हमने चलाना एकदम सही है 11-12 बजे चले क्योंकि उस टाइम पे इतना नज़ारा वगैरह सीनिक भी नहीं है। एक आधे को छोड़ के आया फिर तो यहाँ पे हर महादेव तो यहाँ पे लोग केदारनाथ से पैदल भी आते हैं आपको पता ही होगा। अभी हमारा एक रुलोद से जो भाई था वो भी पैदल जा के आया था तो ऐसा है। नेचर के व्यूज़ के साथ साथ नेचर को फील करना बाइक में ही हो सकता है और सबसे बड़ा फायदा बाइक का वो था ट्रैफिक से छुटकारा। I mean, केदारनाथ से पहले काफ़ी जगह पे लंबा जाम लगा होता है और हम उन सबको आराम से क्रॉस करके पहुंच जाते मंजिल के करीब, बट हमें काफ़ी सारे चैलेंजेस भी आए क्योंकि हमें पहुंचते पहुंचते हो जाती है रात एंड रात में थोड़ी डिफ़िकल्टीज हुई हमें, बट इन दी एंड हम पहुंच गए सोनप्रयाग और सोनप्रयाग में रूम रेंट पर लिया जिसका प्राइस पड़ी हमको 800 पर अराउंड और फिर थके हारे सो गए कल के इंतज़ार में जहाँ पे था हमें बाबा से मिलने का इंतज़ार, बट साथ साथ में इंतज़ार कर रहे थे कुछ मुसीबतें भी जो कि कवर करूँगा नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय श्री केदार और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मुक्का मार के मेरे नहीं।